यार राणा आप थोड़ा सा पीछे किसी का रहा नहीं एक कर सब यार क्या कर सर फोटोग्राफर का अपनी एक डिमांड है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट ऐसे करना कितना मुश्किल होता है थोड़ी सी गुफ्तगू का अंदाज कर ले जाली काम तो ना करवाए इसलिए एक्टिंग नहीं आती इसलिए एक्टिंग नहीं आती स्टार्ट हेलो अच्छा सर आपके 6 अरकान जो है वो मुअत्तल हैं बदस्तूर और बजट सेशन का असेंबली दून बदस्तूर जो है वो बायकॉट किए हुए तो इस मसले का जो है सलूशन क्या है ताकि हाउस जो है वो चल सके आज हम सब ने न्याजी साहब का एक बयान पढ़ा है और बड़ा वो दिलचस्प बयान है मसूफ ने कहा है कि ऑपोजिशन में मुजरिम बैठे हैं इससे आगे बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम ख़राब कर रही है और पुलिस जो है वो भी काम ख़राब कर रही है मैं पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि न्याजी साहब आपने ऑपोजिशन को भी कहा कि मुजरिम बैठे हैं इनको मैं जेल भेजूँगा ये गुफ्तगू ऐसा शख्स कर रहा है कि जिसकी अपनी काबीना में वो लोग बैठे हैं जिन पे 11 नैब के केसेस हैं पंजाब में आप ले लीजिए यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जो कब्ज़ा ग्रुप बैठे हैं यहाँ पर और आज मीडिया को मालूम है कि एक शख्स को उखाड़ा का वाकया है कि वहाँ पर उसको नोटिस आया कि आपकी दुकान नाजायज़ बनी हुई है उसको बेचारे को दिल का दौरा पड़ा और वो फौत हो गया तो न्याजी साहब आप अगर लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते अगर आपका 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा हवा में होता हुआ नज़र आ रहा है तो लोगों के मुँह से रोज़गार ना छीने और आज की ताज़ा खबर असेंबली पहुँच कर मुझे क्या मिलती है ये सुनने वाली बात है कि मैं कहता था कि स्पीकर जो है वो जानिबदार है आज स्पीकर पंजाब असेंबली के जो मनपसंद सेक्रेटरी असेंबली के भतीजे जो MPA हैं किसके स्पीकर पंजाब असेंबली के मनपसंद सेक्रेटरी असेंबली के भतीजे जो MPA हैं उन्होंने आज मेरे बारे में करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई है यानी एक आदमी जो है वो तुला हुआ है कि मैंने पाकिस्तानी कौम को बताना है कि मुझसे ज़्यादा जानिबदार स्पीकर पंजाब असेंबली का कोई नहीं था तो रेज़ अलाई साहब आप ये काम कर लें और अभी 2 दिन पहले आपने कहा कि नहीं नैब के तर्जुमान की ज़रूरत नहीं है मैं नैब का तर्जुमान हूँ परवेज़ अलाई साहब फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो कहा कि मुझे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देने का कहा गया तो परवेज़ अलाई साहब ने इंटरव्यू में फरमाते हैं नहीं शहबाज शरीफ साहब गलत कह रहे हैं नैब ठीक कह रही है तो कौम ये तमाशा देख रही है स्पीकर पंजाब असेंबली का स्पीकर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका लीडर नवाज शरीफ भी था आपका लीडर मुशर्रफ भी था आज आप इमरान खान को लीडर बनाना चाह रहे हैं आप जितना मर्जी इमरान खान का शाह से शाह का वफादार बन लें आप नैब के तर्जुमान बन लें लेकिन आपकी दाल गलने वाली नहीं है और मैं कौम को ये बताऊं कि ये रवायत रही है पंजाब असेंबली की कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो बजट सेशन का आगाज़ करता है उसकी स्पीच से आगाज़ होता है जब वज़ीर ख़ज़ाना तकरीर कर लेता है डिबेट ओपन होती है तो ऑपोजिशन तो सारी बाहर बैठी है और ये भी मैं बताऊँ
कि जो 6 अराकीन जो अभी भी बाहर बैठे हैं प्रेमिसेस के, पुलिस उनको असेंबली के अंदर आने दे रही। कभी नहीं सुना कि अपना जो है ना वो असेंबली के अंदर जो है वो अराकीन ना आ सकें। जब स्पीकर सस्पेंड करता है वो हाउस में नहीं जा सकते। तो मैं कौम से पूछता हूँ कि ये जो स्पीकर साहब हैं इनको ज़रा थोड़ा याद कराएं कि इनको ख्वाब आया था कि ये 6 अराकीन हैं। स्पीकर की रूलिंग से पहले कमेटी बनती है, जिम्मेदारी का तयन होता है, कोई इंक्वायरी होती है, सीसीटीवी टीवी कैमरास की मदद से बताया जाता है कौन जिम्मेदार है, और इन्होंने यकतरफा कार्रवाई कर दी। तो हम इस जाली कार्रवाई को नहीं मानते। और मैं आज पाकिस्तानी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि ये हमारा 4th दिन है, हम रोज़ असेंबली में आते हैं, बजट पे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे 6 अराकीन को मुअत्तल किया गया है। हम तब तक नहीं जाएंगे सेशन में जब तक ये स्पीकर का जानबदारी पर मबनी ये जो इकदाम है इसको ये वापस नहीं देते। और मेरी बात सुने कि जिस बजट पे बात करनी थी, मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि पंजाब का बजट शहबाज शरीफ हुकूमत जो छोड़ के गई थी उसका हुजम था 635 अरब। कितना था? 635 अरब। आज जो इन्होंने बजट पेश किया है वो 238 अरब का बजट है। और ये कहने वाले जो कहते थे कि हम साउथ पंजाब के लिए काम करेंगे, साउथ पंजाब के लिए अल्लाह के फजल व करम से 350% बजट हमने बढ़ाया जो कि 224 अरब रुपया था। और आज जो पूरे पंजाब का बजट है वो सिर्फ 238 अरब रुपया है। ये बात करते हैं पंजाब की, आपको पता है, मुझे पता है, पंजाब के किसान सुन रहे हैं कि 65 से 70% जो आमदनी है पंजाब की वो खेतों से है, वो एग्रीकल्चर से है, वो किसान अपने खून पसीने की कमाई एक करता है। अरबों रुपए का किसान को हमने खाद में सब्सिडी दी, इस हुकूमत ने आते ही वो सब्सिडी विड्रॉ कर ली। तो ये बजट क्या है? और न्याजी साहब कंटेनर पर चढ़कर थकते नहीं थे कि ये शाह खर्चियाँ ख़त्म होनी चाहिए। ये वजीर अला सेक्रेटेरिएट का बजट इन्होंने 60 करोड़ रुपया कर दिया, यानी जो हम छोड़ के गए थे उससे 20% बजट वजीर अला सेक्रेटेरिएट के बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है? ये कौन से नए इकदाम हैं जिससे पाकिस्तानी मईशत का भला हो, बल्कि पाकिस्तानी मईशत का भट्टा बैठ रहा है? ये कहते हैं कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF से कर्जा नहीं लूँगा। असद उमर साहब फरमाते हैं मैं IMF के पीछे छुपूंगा नहीं। फिर कहते हैं नहीं, शायद हमें IMF के पास जाना पड़े, और इसी असना में डॉलर रुपये को झटका लगाता है और 900 अरब का कर्जा जो है वो चढ़ जाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये खिलंडरे लोग हैं, ये खिलाड़ी भी नहीं अनाड़ी हैं, ये मुल्क कैसे चलाएंगे। और ये भी गुजारिश करता चलूँ कि ऐसे मुल्क नहीं चलते। और आप खुद अपने मुंह से फरमाते हैं कि ये ऑपोजिशन में मुजरम बैठे हैं, न्याय साहब आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। और मैं भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको मजबूर करूँगा। ये मेरे जो अरकीन हैं, ये पाकिस्तानी कौम आपको मजबूर करेगी। और आपको बताना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में आपने जो सैर सपाटे किए थे उससे कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुँचा। फिर बात करना ऑपोजिशन के अंदर मुजरम ढूंढना, अपनी कबीना में मुजरम ढूंढिए, अपनी पंजाब कबीना में कब्जा ग्रुप को तलाश कीजिए, फिर आप बात करते हुए सचते हैं। तो ये जो दोगला मयार है आपका, ये बहुत जल्दी पाकिस्तानी कौम के सामने आया हो गया है। और अभी ज़िमनी इलेक्शन तो हुआ था कल, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुआ है, सूबे की सीट जो आपके गवर्नर ने छोड़ी थी वो आप हार चुके हैं। पाकिस्तानी कौम के सामने आप सीट नहीं हार चुके, आप नए पाकिस्तान का जो जाली नारा था उसका मुकदमा इमरान नई साहब आप हार चुके हैं। आप ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर लीजिए, आप शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन सबूत के बगैर, किसी रेफरेंस के बगैर ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करते हैं और फिर आप अपना जो है वो मौला जट और नूरी नथ वाले नारे लगाते हैं। इससे हम खौफजदा होने वाले नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। और हम इंतज़ार करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे कि एक एक करके जो पाकिस्तानी कौम से आपने वादे किए थे
जो सब्ज बाग आपने पाकिस्तानी कौम को दिखाए थे वो एक एक करके आपका दावा झूठा साबित हो और पाकिस्तानी कौम नया पाकिस्तान के झूठे नारे की असल हकीकत जान ले। अली जरदारी ने कहा है कि मिलकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है तमाम जमातों के साथ अपोजिशन के साथ मिलकर चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कोई रابطہ हुआ या आइंदा चंद रोज में होने का इम्कान है? नहीं, ये अपोजिशन जो है मैं समझता हूँ कि कल नहीं तो आज हम सब मिल बैठेंगे, क्योंकि सबका ये कहना है कि ये जाली मैंडेट है, आवाम के वोटों पर डाका पड़ा है, तो आज या कल हम सबको मिल बैठना है। और मुझे, मैं कौम को बताना चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, मुझे ये फिक्र नहीं कि ये कब जाते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। पाकिस्तान में अभी तक जो 1.5 महीने सबसे अच्छा काम इन्होंने किया है वो सिर्फ वजीर हाउस की भैंसे की नीलामी इन्होंने कामयाब की है, और अपना जो है ना वो इन्होंने लेटरिन साफ कराई हैं जो न्यायी साहब जिस पर लगे हुए हैं। ना मईशत की परवाह है, ना सूबे में आज जो अमन आमा का मामला है उसकी परवाह है। बजट में अपना जो है वो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर इन्होंने अमन आमा के लिए पैसे रखे हैं। जब हम मुल्क छोड़ के गए थे, इकतदार छोड़ के गए थे, कराची में अमन की रौनकें लौटी थी, खुदा के फजल करम से दहशत गर्दी ख़त्म हुई थी, इस मुल्क में बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए थे और हमने कौम के 630 अरब रुपये बचाए उन मनसूबों में से। तो एक तो बात बताएं कि इस बजट में कोई नया मनसूबा नहीं रखा। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई नया मनसूबा नहीं रखा। और वजीर ख़जाना मसूफ फरमाते हैं ग्रोथ रेट के बारे में 1 महीने बाद सोचेंगे। और मेरे भाई, ये नोट करने वाली बात है कि 635 अरब का डेवलपमेंट बजट मुस्लिम लीग नून ने दिया था आखिरी, आपने 238 अरब का दिया, मजाक किया। ग्रोथ रेट तो तब होता है जब गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ को फैक्टर को बढ़ाने के लिए अपना पैसा खर्चती है, बजट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखती है। तो इन्होंने तो जो गरीब की सवारी थी मेट्रो बस, जो गरीब आदमी ठंडी सवारी टाइम पे सफ़र करता था वो भी हक छीन लिया गरीब आदमी से, मेट्रो बस के किराए भी बढ़ा दिए। तो मेरे भाई, मुल्क चंदों से नहीं चलते हैं। और आज मैं स्पीकर पंजाब असेंबली को वॉर्न करता हूँ कि यह आपकी जानबदारी जो आज आपने अपने ही मनपसंद सेक्रेटरी असेंबली के भतीजे से मेरे खिलाफ करारदाद अपना जो है वो पेश की है, ये जख्म जो आप लगा रहे हैं अपने जानबदारी इकदाम के पंजाब असेंबली की तारीख में, ये हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आपके हर चीज़ को बेनकाब करेंगे। और परेज रही साहब, आप जितना मर्जी शाह से शाह के वफादार बंदे, पंजाब बैंक के डाके के दाग को आप नहीं धो सकते। आपने जो अलाइनमेंट इस अपना जो है रिंग रोड की बदली, आप इस चोरी के दाग को नहीं धो सकते। और आप जो मर्जी कर लें, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। और मैं आज फिर मीडिया को कहूंगा कि हम जिम्मेदार अपोजिशन करने वाले लोग हैं। और मैं आज फिर तकाजा करता हूँ कि एक कमेटी बने हाउस की, जो उस दिन हम पे इल्ज़ाम तराशी हुई जाली तस्वीरों के ऊपर, उसके कमेटी बने, जिम्मेदारों का तयन हो और कसूरवार स्पीकर पंजाब असेंबली आपको। ये साहब, ये बताइएगा कि कमेटी की बात आ रही है कि आज जब अदालत पेश किया जाता है तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर पहुंची, इजहार यकीनी करती है, लेकिन इस बार हुकूमत ने प्लान बनाया है कि रेंजर्स तैनात की जाएगी ताकि लोगों को दूर रखा जा सके। ये कैसी जमहूरियत है कि रेंजर्स को बुलाना पड़ गया? आपकी हिकमत अमली क्या होगी? मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म जो है ना वो कुर्सी पर बैठ के नहीं होता, वो वज़ीर आज़म तो लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। तो आज ज़मीनी इलेक्शन बता रहे हैं, कल का अपना जो ये सीट हारे हैं बता रहे हैं कि लोगों ने इनकी अटखेलियों को, इनके खिलंडरेपन को मुस्तरद कर दिया है ज़मीनी इलेक्शन के इंतखाबात में। और मुस्लिम लीग नून ने जो लाहौर से 4 सीटें जीती हैं, जेहलम से सीट हमने जीती है, और इमरान न्याजी साहब 2 महीने पहले जो सीटें जीते थे वो पूरी तरह हार गए हैं। तो ये लोगों का फैसला है और लोगों का फैसले का जादू सर चढ़कर बोलेगा, और ये जाली हुकूमत अपने ही ब्लंडर्स के बोझ से दबकर जो है जमीन पर। अच्छा, हमने साहब ये फरमाया कि आप ये बता दें कि आप जारी की है, उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, उन्होंने फैसला किया कमेटी बनाई जाए इस मामले के ऊपर, तो क्या मंजूर होगा आपको उस कमेटी का जो फैसला आएगा? अच्छा, हमजा साहब, मुझे स्पीकर की जानिबदारी बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर कमेटी अपोजिशन के और ट्री बेंचेस के अरकान पर मबनी होगी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, फिर
मैदान आगे बढ़ेगा, लेकिन कमेटी से परवेज अलाई साहब बात नहीं बनेगी। आपकी जो रूलिंग है, जो आपने जो अपना जो है पंजाब की असेंबली की तारीख का मजाक उड़ाया, जो लोग बाहर बैठे हैं चेयर अकीन, जब तक वो वापस नहीं आएंगे मैं रोज यहाँ पर आकर आपके जो आपकी जो जानबदारी है उसको बेनकाब करूंगा। बहाल नहीं किए जा रहे और दूसरी तरफ आप बाहर हैं, इसी तरह बजट बहस खत्म हो जाएगी, वो बजट मंजूर करवा लेंगे, तो ये किस तरह से ऑपोजिशन चलेगी? एक अद्वितीय अक्सरियत के होने के बावजूद वो अपनी मर्जी से जो है बजट मंजूर करवा लेंगे। हमें तो हम चाहते हैं कि जाए, लेकिन ये अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, उसमें मुकदमा हम लेके गए हैं और जिमनी इलेक्शन का मैंने आपको जवाब दे दिया है, अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन ये जो अपना जो जोर आवरी है या अपना स्पीकर की अपना जानबदारी है, इसको हम नहीं मानेंगे। अल्लाह का शुक्र है मैंने तो इतने नारे लगाए हैं। मरियम वाले में लोहे से तुम पे आया गिरा मुद्दा अपना जो हमारे जो कमेटी का रखी है उसको चेंबर में आज नमाज भी पढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है जा सकते।